बिसमीम् अल्लाम वरिमु ला Welcome वेलकम टू Cooking कुकिंग बेकिंग आज आप लोगों के लिए जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो रमज़ान स्पेशल रेसिपी है बहुत ही अच्छी रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन पैटी वील्स तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है वो पैन के अंदर हम टू टेबल स्पून बटर डालेंगे और बटर को जो है वो अच्छी तरह से हम मेल्ट कर लेंगे बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए उसके बाद हम जो है वो प्लेन फ्लावर उसमें ऐड करेंगे टू टेबल स्पून और फ़्लावर ऐड करने के बाद जो है वो आपने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि इसके फ्लावर के जो है वो लम्ब्स ना बने और अच्छी तरह से जब वो भुनना शुरू हो जाए और खुशबू आने लगे तो उसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे मैंने होल मिल्क लिया है आप कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं एक गिलास हमने दूध का लेना है और दूध डालते वक्त भी आप मुसलसल हिलाते रहें उसको ताकि उसकी लम्ब ना बने आटे की और ग्रेजुअली आपने इसको ऐड करना है एकदम से दूध को ऐड नहीं करना जब सॉस थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए उसके अंदर हम ब्लैक पेपर पाउडर साल्ट और ऑरिगेनोट ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो एक टी है और ओरिगानो और साल्ट जो है वो हाफ टी स्पून है हमारा सॉस अच्छे तरीके से थिक हो गया है अभी रेडी है अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम पैन के अंदर अपना चिकन डालेंगे ये मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लेके उसको बाइट साइज पीसीज में छोटा छोटा काट लिया था इसके अंदर जो है वो हाफ़ टी स्पून साल्ट डालूंगी मैं क्योंकि पहले हमने साल्ट सॉस के अंदर भी डाला है तो मैं साल्ट ज़्यादा नहीं डालूंगी और हाफ़ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी बस चिकन के अंदर हम सिर्फ यही ऐड करेंगे जब चिकन वाइट हो जाए अपना रंग चेंज करके तो उसको ढक दें पकने के लिए और जब चिकन जो है वो अपना पानी बिल्कुल उसका सूख जाए तो हमारी चिकन रेडी है अब जो है सॉस वाला पैन हम दोबारा से चूल्हे के ऊपर रखेंगे और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और उसके अंदर मैंने ऐड की हैं पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च और उसके बाद मैंने मटर और स्वीट कॉर्न ऐड किए हैं आप कोई से भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के मुताबिक अच्छे से इसको मिक्स कर लें और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमने चिकन ऐड करना है इसमें जो हमने पहले तैयार किया हुआ था दोबारा से इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें जब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, इसके बाद जो है वो हम इसके अंदर धनिया डालेंगे सब्ज़ धनिया एक हाथ भर के सब्ज़ धनिया आप काट लें बारीक और ऐड करें हमारा मसाला जो है वो रेडी है इसको हम वेट करेंगे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद हम इसके इसको बनाना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और मेरे पास ये कुकी कटर है तो इसको जो है वो मैंने राउंड शेप्स में काट लेना है और ब्रेड जो है वो जो काट काटी है हमने वो उसको बाकी ब्रेड को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना हम कबाब बनाएँ या फिर हम ब्रेड का हलवा भी बना सकते हैं मैं इंशाल्लाह जल्द ही रेसिपी लेके कर आऊँगी आपके लिए ब्रेड के हलवे की तो सारी आपने जो है वो स्लाइसेस uh, इसी तरह जो है वो सर्कल्स में काट लेने हैं और जब सारी ब्रेड रेडी हो जाएं फिर उसके बाद जो है वो हम इसको असेंबल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो है वो फिलिंग डालें ब्रेड के ऊपर मेक शोर sure करें कि आपकी फ़िलिंग अच्छे तरीके से ठंडी हो गई हो क्योंकि अगर फीलिंग ठंडी नहीं होगी तो ब्रेड जो है वो सॉगी हो जाएगी और बिल्कुल आटे की तरह बन जाएगी तो आप फीलिंग को अच्छे से ठंडा कर लें फीलिंग जो है वो ब्रेड के ऊपर फैलाकर अच्छे तरीके से रखने के बाद इसके ऊपर जो है वो मैं दूसरी ब्रेड लगा दूंगी और थोड़ा सा हल्के हाथों इसको प्रेस कर लें और जो फीलिंग बाहर निकल रही है उसको दबा के वापस अंदर कर दें ये हमारा पैटी व्हील तैयार हो गया है इसी तरीके से जो है वो मैं अपने बाकी व्हील्स भी तैयार कर लूँगी तो ये देखिए हमारे सारे पैटी व्हील्स जो है वो तैयार हो चुके हैं अब जो है वो मैंने दो अंडे लिए हैं इनको मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी अंडों को आपने बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है तो अंडे बीट करने के बाद जो है वो मैं अपना एक एक पैटी व्हील लेती जाऊँगी और उसको जो है वो डिप करूँगी अंडे के अंदर आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना अंडे के अंदर ब्रेड को और जो एक्सेस एग है उसको अच्छे तरीके से उतार लें उसके बाद जो है वो ब्रेड क्रम्स में डालें तो ब्रेड क्रम्स में डाल के अच्छी तरह से कोट करें इसको ब्रेड क्रम्स के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ऐसे हर तरफ से कोट कर रही हूँ आप मेक शोर sure करें कि हर तरफ से पूरी तरह से ब्रेड क्रम्स के साथ कोट हो जाए इसी तरीके से आपने बाकी व्हील्स को भी अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेना है आप ब्रेड क्रम्स जो है वो घर में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने रेडीमेड लिए हैं तो इसी तरीके से जो है वो मैं अपने बाकी की पैटीज़ भी तैयार कर लूँगी और फिर हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे तो उल, तो ऑयल मैंने लिया है पैन के अंदर ऑयल मेरा गर्म हो चुका है इसके अंदर मैं अपने पैटिस डालूंगी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर और फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल हाई नहीं रखनी लो टू मीडियम रखनी है क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो है वो एकदम से जल जाते हैं तो हीट जो है वो बहुत ज़्यादा ना रखें आप और बहुत ही एहतियात के साथ इनको टर्न कर लें ताकि ब्रेड टूटे नहीं तो चलें हमारी पैटीज फ्राई हो के तैयार हैं और देखें कितना अच्छा इनका सुनहरी गोल्डन सा कलर है इससे ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना पैटीज़ हमारी जो हैं वो बन के तैयार हैं अब जो है वो एक पैटी में आपको काट के बताऊंगी कि कितनी जबरदस्त लग रही है ये देखें बहुत ज़्यादा टेम्पिंग लग रही है ये देखें हमारी पैटीज तैयार हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी प्लीज़ आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आपकी रेसिपी अच्छी है तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में ख़ास याद रखें खुदा हाफिज़